अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त रोमसो में मौजूद हूं और ये रात के 12:30 बजे का टाइम है और रोशनी से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे ये दिन के 12:30 बज रहे हैं। यहाँ पे मिडनाइट सन है, यानी सूरज 24 घंटे तुलू रहता है, गुरूब नहीं होता। ये दुनिया में एक मुनफरिद जगह है जहाँ पे 24 घंटे के लिए सूरज तुलू रहता है। हम यहाँ पे इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्वे की जो इमाम कमेटी है उसके साथ जो नमाजों के औकात हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्वे के अंदर आने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मकामी आइम्मा के साथ कल हमारी मीटिंग है जिसमें इस इशू को तफसीली तौर पर हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों तरह के फिनोमेन मौजूद हैं। यहाँ पे ऐसे दिन आते हैं कि जब सूरज गुरूब नहीं होता, जिस तरह आजकल के दिन हैं गर्मियों के, समर के, फिर सर्दियों में बिल्कुल तुलू नहीं होता, गुरूब रहता, 24 घंटे रात रहती है, और फिर इनके दरमियानी वक्त है कि जब सूरज गुरूब भी होता है और तुलू भी होता है और नॉर्मल दिन की कैफियत होती है। तो ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो मौजूद हैं। तो नमाजों के औकात के एडजस्ट बहुत मुश्किल है और इस पर मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। ये फिकही तौर पर हर एक इमाम अपने अपने उसूल और कवायद के मुताबिक इसका कोई हल तजवीज़ करता है, लेकिन लोकल मस्जिद, यहाँ की जो मस्जिद हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, उनको इस जो हल तजवीज़ किए गए हैं वो ऐसा हल है कि जो प्रैक्टिकेबल नहीं है, जो यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलात का बाइस बनता है। और ये हल जो तजवीज़ किए गए हैं ये अक्सर उन उलमा की तरफ से हैं कि जो यहाँ पे आए नहीं हैं, रहे नहीं हैं, और मकामी उलमा जो तजवीज़ करते हैं उसके हवाले से हम आहंगी नहीं पाई जाती लोकल। तो अब इसी वजह से इस्लामिक कमेटी बनाई है कि वो यहाँ के जो नमाजों के औकात हैं उन पर एक मुत्तफिका जो है वो एक फैसला किया जाए, उस पर काम किया जाए, जिन जगहों के ऊपर सूरज गुरूब होता है और तुलू होता है उनकी ऑब्जर्वेशंस की जाए और फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी रहनुमाई की जाए। तो बतौर खास रोमसो का जो इलाका है जहाँ पे बिल्कुल आजकल सूरज गुरूब नहीं हो रहा, यहाँ पे इस हवाले से आसानी है कि कोई भी अल्टरनेटिव मेथड जिस पर इत्तेफाक हो जाए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आजकल नमाजों के औकात में बाहम उतना फासला रखा गया है जितना कि मक्का के अंदर नमाजों के औकात का फासला है। तो मिसाल के तौर पे मक्का 4 बजे है तो यहाँ पे फजर 4 बजे है, मक्का में अगर वहाँ पे 2 बजे जोहर है तो यहाँ पे 2 बजे जोहर है, इसी तरह असर मगरिब और इशा का है। तो अंदाजे से एक वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन जब वो दिन आएंगे कि जब सूरज गुरूब होता है और तुलू होता है तो फिर एक मुश्किल शुरू हो जाएगी कि किस हद तक लोकल गुरूब और तुलू को फॉलो किया जा सकता है और कब ये नामुमकिन है। रमजान भी गर्मियों में आता है तो रमजान का एक इशू है, और फिर सर्दियों में इससे ज्यादा मुश्किल, गर्मियों से ज्यादा मुश्किल सर्दियों में महसूस होती है कि जब यहां पे ये 1 घंटे का एक दिन जो है वो होता है, यानी सिर्फ 1 घंटा सूरज तुलू होता है बाकी गुरूब रहता है, तो क्या लोग यहां पे 1 घंटे के लिए रोजा रखेंगे? सेम इसी तरह मगरिब जो है वो गर्मियों के अंदर 1 घंटे के लिए सिर्फ गुरूब रहता है बाज़ दिनों के अंदर, तो क्या लोग 23 घंटे का रोजा रखेंगे? और फिर इसी तरह से क्या मगरिब, इशा और फजर की नमाज रात को 12 और 1 के दरमियान अदा की जाएगी? रात को सोने का जो वक्त है उसको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा? बच्चे स्कूल जाने से पहले किस वक्त नमाज पढ़ेंगे? ये सारे वो सवाल हैं कि जो यहाँ के लोग करते हैं और इन्हीं के हल के लिए हम बाकायदा काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जैसे कि मैंने कहा आराम मौजूद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसा हल तजवीज़ किया जाए कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए आसानी हो। ये आप यहाँ का जो मंजर, एक खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है रोमसो का शहर। अभी भी पहाड़ों के ऊपर बर्फ मौजूद है और ये रात के 12:30 बजे का वक्त है और सूरज बिल्कुल अपने, अगरचे बादल है आज, उस तरह से आसमान जो है वो साफ नहीं है। अगर इस वक्त बादल ना होते तो बहुत वाजह सूरज हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ से, लेकिन इस वक्त बादल होने की वजह से हम आपको सूरज की रोशनी उस तरह से नहीं दिखा सकते जिस तरह से एक्चुअली मौजूद होती है, लेकिन बिल्कुल वाजह दिन की तरह का ये मंजर है, आप खुद देख सकते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है, उसका निज़ाम है, और मुसलमान दुनिया के हिस्से के अंदर भी मौजूद हैं, मस्जिद मौजूद हैं, नमाजें अदा की जा रही हैं और यहाँ पे बाकायदा मुसलमानों के इदारे जो हैं वो कायम हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ के मुसलमानों के लिए आसानी भी फरमाए और उनको यहाँ पे जरिए तबलीग इस्लाम की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के फैलाव के जरिए बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।